सो हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानों के पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूँ कभी कभार हमसे ऐसा होता है कि हमसे अनजाने में जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है वो कहीं खो जाता है, या फिर हमें कभी कहीं अर्जेंट जरूरत पड़ जाती है अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है, बट वो डॉक्यूमेंट हमारे पास होता नहीं है उस टाइम पे। बट अगर वो डिजिटली हमारे पास हो फोन में, तो उसको दिखाकर हमारा काम बन सकता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी मैं उसमें आपको जो सिंपल से स्टेप्स हैं वो फॉलो करके दिखाऊंगा कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस है जो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, आप भी थोड़ा प्यार दिखाइए, हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको कोई भी एक ब्राउजर खोल लेना है। गूगल पर जाकर आपको parivahan.gov.in सर्च कर लेना है। उसके बाद जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी परिवहन सेवा की, उस पर आपको आ जाना है। कुछ इस प्रकार का आपके सामने जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्वाइप डाउन करना है। लाइसेंस रिलेटेड सर्विस में आपको दिखा रहा है ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस है जो, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मोर पे जाकर क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपके सामने कुछ इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें जाना है अदर्स पे और सर्च रिलेटेड एप्लीकेशन है जो, वहाँ पर जाकर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने कुछ इस टाइप का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे करना क्या होगा, आपको जो आपका यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर जाकर आपको यहाँ पे से जो आप तीन चार आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जा रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, LL है यानी कि लर्निंग लाइसेंस नंबर हो गया, या फिर आपका जो DL नंबर हो गया, तो इन सब में से आपको चूज करना है कि आपको क्या चूज करना है, लर्निंग लाइसेंस निकालना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर निकालना है, या फिर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो निकालना है। तो अभी फिलहाल मुझे DL निकालना है, तो मैं DL नंबर पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अपना जो DL नंबर है वो यहाँ पे फिल कर दूंगा। दोस्तों, आपको भी कुछ इसी प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। DL नंबर लिख के उसका नंबर साइड में लिखा, फिर मैंने जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है उस पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जो आपको कैप्चर कोड दिखाया जा रहा है यहाँ पे, उस कैप्चर कोड को आपको भी सीधे इसी तरीके से फिल कर देना है। यहाँ पे फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट का ऑप्शन है जो, सबमिट पे जाकर क्लिक कर देना है। अब कुछ इस प्रकार से आपके सामने जो उसके नीचे डिटेल्स हैं वो खुल जाएंगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन डिटेल्स हैं जो वो दिखाई गई हैं, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो दिखाया गया है, नेम दिखाया गया है, एप्लीकेशन डेट दिखाई है, डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल किया था ऊपर वो दिखाई गई है, RTO नंबर दिखाया गया है, फादर्स नेम दिखाया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिखाया गया है, तो मतलब आपकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे शो कर दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। आपको भी सेम इसी प्रकार से दोस्तों जो डिटेल्स है उनको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, अब आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है, डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पे जाकर जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार का आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आ जाएगा। आपके जो फोटो दिखाई गई है, आपके साइन दिखाए गए हैं, नेम दिखाया गया है, जेंडर दिखाया गया है, जो भी आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं वो इस प्रकार से आपको दिखाई गई हैं। दोस्तों, आप एक बार इनको चेक कर लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कौन से टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो उसमें आप टू व्हीलर में क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल विद गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट हो गया, लाइट वेट मोटर्स हो गया, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा दी गई हैं। दोस्तों, आप भी एक बार देख लीजिएगा इनको। अब दोस्तों, जो आपके सामने जो प्रिंट का ऑप्शन है, इस प्रिंट पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो पेज है वो पूरा आ चुका है और जिसकी PDF है वो आपके पास डाउनलोड हो चुकी है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको भी सेम जो डिटेल्स है वो फिल करनी है और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको निकाल लेना है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।